दोस्तों स्वागत है आपका एमबीसीएस एस्पायरेंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जीवाणु जनित रोग के बारे में, जिसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवाणु जनित रोगों में प्रमुख रोग है हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं। हैजा का कारक जीवाणु होता है विब्रियो कोलेरी। हैजा में व्यक्ति की आंत संक्रमित हो जाती है और अतिसार होने से व्यक्ति के भीतर जल की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कारक जीवाणु होता है कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से डिप्थीरिया नामक रोग होता है। डिप्थीरिया में व्यक्ति के गले में संक्रमण होता है, जिससे व्यक्ति के श्वास नली के पास एक सफ़ेद झिल्ली बन जाती है और सांस अवरुद्ध होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह रोग छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है, हालांकि यह जो जीवाणु है छोटे बच्चों को अधिक संक्रमित करता है। इसके बचाव के लिए DPT नामक टीका लगाया जाता है। इस टीके के अंतर्गत डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस तीन रोगों का बचाव होता है। अगला जो प्रमुख रोग है जो कि जीवाणु से होता है वह है क्षय रोग। क्षय रोग का कारक जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह जीवाणु व्यक्ति के जो लिम्फैटिक ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें घुस जाता है, जिसकी वजह से उसमें उन ग्रंथियों का क्षय होने लगता है। इस कारण से व्यक्ति में मस्तिष्क क्षय, आंत क्षय, अस्थि क्षय जैसी बीमारियां होती हैं। इस रोग के बचाव के लिए BCG नामक टीका लगाया जाता है। इस रोग के बचाव के लिए बचपन में ही BCG नामक टीका लगवाया जाता है, जो कि डॉट प्रणाली के अंतर्गत आता है। भारत में हाल ही में क्षय रोग को खत्म करने के लिए टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत से टीबी मुक्त हो जाए। अगला जो रोग है वह है कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी कहते हैं। इसका कारक जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है हमारे त्वचा को सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है, जिससे त्वचा पे लाल चकत्ते, सफ़ेद दाग या फिर सड़न उत्पन्न हो जाती है। इस रोग के बचाव के लिए 1981 में एक बहु चिकित्सीय पद्धति MDT शुरू की गई थी, जिसे हम मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत डेप्सोन, क्लोफाजिमीन और रिफेमिसिन दवाइयों की खुराक दी जाती है। अगला जो प्रमुख रोग है वो टिटनेस है। इसका कारक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका कारक जीवाणु होता है। चोट लगने के बाद व्यक्ति को टिटनेस से बचने के लिए ATS नामक टीका लगाया जाता है, इसको टिटबैक कहते हैं। ATS का फुल फॉर्म होता है एंटीटॉक्साइड सीरम, जिसे टिटबैक के नाम से जानते हैं। अगला जो जीवाणु जनित रोग है वो है टाइफाइड का कारक जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफोसा की वजह से टाइफाइड नामक बीमारी होती है। टाइफाइड मुख्य रूप से दूषित जल, पानी की गंदगी की वजह से फैलने वाला रोग है टाइफाइड। इसमें व्यक्ति को तेज बुखार, सर दर्द और शरीर में दर्द होती है। इसके बचाव के लिए TAB नामक टीका शिशुओं को लगवाना चाहिए तथा क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की जो एंटीबायोटिक है वो रोगी को दिया जाना चाहिए। और खासकर स्वच्छ जल, उबले हुए गर्म किए हुए जल पीना ज़्यादा लाभप्रद होता है इस रोग में। अगले पेज पर चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो जीवाणु जनित रोग है वो है प्लेग। प्लेग भी एक प्रमुख जीवाणु जनित रोग है, जो प्राचीन समय में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। जिस गाँव में फैलती थी उस गाँव की लगभग 70% आबादी इसका शिकार हो जाती थी। प्लेग को फैलाने का सबसे प्रमुख वाहक था चूहा। चूहों पर एक परजीवी हुआ करता था, चूहों पर एक परजीवी भी होता है, एक परजीवी होता है जिसे पिस्सू कहते हैं। ये पिस्सू ही इस रोग के कारक जीवाणु का वाहक होता था, जिसे पास्चुरेला पेस्टिस कहते हैं। और इस रोग का सबसे घातक कारक जीवाणु है जेनोप्सिला क्योपिस। इस रोग का सबसे घातक जो है कारक होता था। इस रोग में सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सल्फा ड्रग्स तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवाइयाँ दी जाती हैं तथा चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रमुख रोग है काली खांसी। इसका कारक जीवाणु होता है बोर्डीटेला
परट्यूसिस, बोर्डीटेला परट्यूसिस काली खांसी का कारक जीवाणु होता है। काली खांसी भी एक जीवाणु जनित रोग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काली खांसी कैसा रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, तो ये एक जीवाणु जनित बीमारी है काली खांसी। इसके भी बचाव के लिए DPT नामक टीका लगवाया जाता है। अगली जो जीवाणु जनित बीमारी है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का कारक जीवाणु होता है बैसिलस एंथ्रेक्सस, बैसिलस एंथ्रेक्सस एंथ्रेक्स नामक बीमारी का कारक जीवाणु होता है। ये दुर्घटनावश व्यक्ति का किसी जंतु के संपर्क में आने से जाता है, इसमें द्वारा त्वचा, आंत, श्वास मार्ग आदि संक्रमित हो जाते हैं। एंथ्रेक्स के पूर्व कारणों, एंथ्रेक्स के संक्रमण के पूर्व इसका टीकाकरण करवाया जा सकता है जिससे इसका बचाव होता है। एंथ्रेक्स का एंथ्रेक्स के टीके की खोज, एंथ्रेक्स के टीके की खोज डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने की थी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने की थी। अगला जो रोग है वो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का कारक जीवाणु होता है डिप्लोकोकल न्यूमानी, डिप्लोकोकल न्यूमानी इसका कारक जीवाणु होता है। न्यूमोनिया में व्यक्ति के फेफड़े जो हैं, फेफड़े संक्रमित होते हैं, संक्रमित होते हैं जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अत्यधिक संक्रमण से व्यक्ति की जान भी चली जाती है। इस रोग में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला जो रोग है वो गोनेरिया है, गोनेरिया का कारक जीवाणु होता है निसेरिया गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया इसका कारक जीवाणु है। अगला जो जीवाणु जनित रोग है सिफिलिस, सिफिलिस का कारक जीवाणु होता है ट्रोपोनेमा पैलिडियम, ट्रोपोनेमा पैलिडियम, इन दोनों रोगों के बचाव के लिए एंटीबायोटिक या पेंसिलिन का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इस वीडियो में हमने जीवाणु जनित रोगों को कवर किया है। अगले वीडियो में हम विषाणु जनित और उसके बाद अन्य तरीके से होने वाली मानव बीमारियों का हम अध्ययन करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।